हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कोई व्लॉग नहीं करने वाली हूँ, आज एक वीडियो होने वाली है, स्किन केयर वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। तो कोर्स करते करते मुझे बहुत सारी स्किन टाइप्स के बारे में, स्किन केयर के बारे में नॉलेज हो रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं लाइक अकेडमी में, तो मुझे नॉलेज हो रही है कि कैसी स्किन होती हैं, कैसे उसे क्योर किया जाता है। अब हमें हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन तो ऑलवेज रेडी होता है ना, तो स्किन केयर का भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे अगर हम डेली स्किन केयर करें तो। अब आज एक एक, अब मैंने ये सोचा है कि सीरीज स्टार्ट करती हूँ लाइक एक एक स्किन को कवर करते हुए। एंड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये फाइंड आउट करने में कि हमारी स्किन है कौन सी, तो मैं उसके ऊपर भी एक बहुत ही जल्दी लाइक इसके बाद ही हो सकता है कि वो वीडियो आ जाए, तो मैं उसके बारे में भी मैं डीपली बात करने वाली हूँ कि अपनी स्किन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कौन सा स्किन टाइप है। बहुत बार जब हम बाहर प्रोडक्ट लेने जाते हैं स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, तो हमें फिर ये होता है कि यार दिस इज फॉर ऑयली स्किन, क्या मेरी ऑयली स्किन है, यार दिस इज फॉर ड्राई स्किन, क्या मेरी ड्राई स्किन है, दिस इज फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली स्किन, यार पता नहीं मेरी कौन सी स्किन है। ऐसा होता है, बहुत सी बार होता है, मैंने इवन अपने सामने ही देखा है। जब मैं मतलब शॉपिंग कर रही होती हूँ तो मेरे साइड में पास में कोई बहुत सारी लेडीज होती हैं, हमें तो हमारा स्किन टाइप नहीं पता। एंड देन कस्टमर मतलब होते हैं बहुत से ऐसे जिन्हें नहीं पता होता, राइट? तो जो शॉपकीपर होता है वो अब यार बहुत जेन्युइन भी होते हैं, वो देते हैं उन्हें जो मतलब उनकी स्किन टाइप देख के। एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो सामान नहीं निकल रहा होता वो उसे निकाल के दे देते हैं। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि देख भाई तू हमें मत बता हमारी स्किन के लिए क्या ठीक है, हम तुझे बताएंगे कि हमारी स्किन के लिए क्या ठीक है। सो मैं वही चाहती हूँ कि जैसे मतलब अब मैं हो रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ ऐसे हों। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन से बहुत लोग परेशान होते हैं, यार मुंह धुलने के तुरंत बाद ही ऐसे पपड़ी सी आने लग जाती है। तो कुछ नहीं यार, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो रेडी होता ही है ना। तबीयत खराब होती है तो भी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? तो अपने स्किन के डॉक्टर ना आप खुद बनो। जैसे आपको ड्राई स्किन है तो उसका सॉल्यूशन भी है, राइट? सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, आप लोग मेरी वीडियो को सेव कर सकते हो। सो या, सबसे पहले यू हैव टू वॉश योर फेस ओनली ट्वाइस अ डे, ठीक है, नॉट मोर देन टू टाइम्स इन अ डे। मुंह धुलने के तुरंत बाद यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर, मतलब जो भी आप यूज करते हो ना, निविया हो गया, बायोटेक हो गया, कुछ भी हो गया। मैं तो लाइक यूज करती नहीं हूँ बिकॉज मेरी तो कॉम्बिनेशन स्किन है, राइट? देखोगे मेरी ड्राई स्किन है, यहाँ से देखोगे मेरी ऑयली स्किन है। मैं तो पर्सनली यूज नहीं करती, लेकिन हाँ अब मैं अकेडमी जाती हूँ तो जिसकी ड्राई स्किन होती है मैं उनके ऊपर बायोटेक यूज करती हूँ। मतलब मेकअप करने से पहले तो हमें यूज करना ही करना पड़ता है CTMP, राइट? तो वो तो आपकी कैसी भी स्किन हो आप यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। वो बस चेंज हो जाता है कि हमें जेल लेना है या ड्राई लेना है, ठीक है? तो अगर तो मुंह सिर्फ दिन में दो बार धुलना है, ठीक है? यू हैव टू वॉश योर फेस ओनली ट्वाइस अ डे एंड उसके बाद यू हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर फॉर श्योर। जिस भी ब्रांड का जैसा भी आप यूज करते हो, बच्चे बाहर चिल्ला रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो यू हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर, ठीक है जी? मॉइस्चराइजर तो ठीक है, आप पूरा स्किन केयर भी कर सकते हो लाइक CTM। क्लींजिंग की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मुंह धुलने के तुरंत बाद ही अप्लाई करोगे, तो टोनर और मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करोगे ही करोगे, ठीक है? एंड इन टोनर ट्राई करो कि आप लोग गुलाब जल यूज करो। फॉर ड्राई स्किन यूज गुलाब जल, लाइक गुलाब जल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए, ठीक है? फेस वॉश जो होता है और स्क्रब जो होता है आप लोग अवॉइड करोगे चारकोल का लेना। चारकोल इज नॉट गुड फॉर ड्राई स्किन, तो आप लोग चारकोल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे। ड्राई स्किन पीपल अवॉइड चारकोल प्रोडक्ट्स, ओके? तो चारकोल, अगर कोई ड्राई स्किन वाला आपको बोल रहा है कि इसे सूट होता है तो पता नहीं यार कैसे होता है, बट नहीं होता, ठीक है? तो आप लोग इसकी बात पे मत जाना, बट आप लोग यूज मत करना चारकोल प्रोडक्ट्स, ठीक है? एंड ये तो मतलब सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, सबको ये काम करना चाहिए, लेकिन स्पेशली फॉर ड्राई स्किन पीपल
ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. लाइक वाटर आप लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी है. एंड आई एम सॉरी, मैं बिना पंखे के शूट कर रही हूँ तो मेरे को स्वेटिंग हो रही है, सिर्फ आप लोगों के लिए, बट इट्स ओके. हाँ, तो आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे, मतलब हद से ज़्यादा आप लोगों को पानी पीना है अगर आप लोग को अपनी स्किन ड्राई होने से बचानी है तो, ठीक है. एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डिटॉक्स ड्रिंक है मेरे पास जो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो. मतलब आपको बस क्या करना है ना, सुबह उठना है, ठीक है. उठने के बाद, सुबह उठने का कोई काम नहीं है, डोंट वरी. जो मेरे जैसे लोग हैं जो डर गए कि यार सुबह उठ के क्या बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है. 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, जब भी उठ रहे हो उठ जाओ, भी उठ रहे हो, ठीक है. 2 लीटर की पानी की बॉटल ले लो, ठीक है. उसमें क्या करो, कुकुम्बर, पुदीना और लेमन का पेस्ट बना लो, ठीक है, अलग से, ठीक है. उसको उस बॉटल में डाल दो और उस 2 लीटर की बॉटल को पूरा पानी से भर लो, ठीक है. एंड इस 2 लीटर की पानी की बॉटल को आपको पूरे दिन में खत्म करना है. मतलब जब भी टाइम मिला एक सिप ले लिया, जब भी टाइम मिला एक सिप ले लिया, ठीक है. दिखी बॉटल ले लिया से. इस 2 लीटर से अलग आपको 2 लीटर पानी और पीना है, विच इज नॉर्मल वाटर. इससे क्या होगा ना, जो 2 लीटर आप ये वाला बनाओगे, ये तो आपका एज अ डिटॉक्स ड्रिंक आप ले रहे हो, ठीक है, कि यार हाँ यार डिटॉक्स ड्रिंक है, लेनी ही लेनी है. और जो पानी वाली प्यास है यार, वो तो नॉर्मल पानी से ही भुसेगी ना, तो वो भी आप ले रहे हो, तो इट्स इजी. ये बहुत अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो. मेरी पर्सनली एक फ्रेंड भी ट्राई कर रही है, मैंने उसको बताया था. शिट, लाइट चली गई क्योंकि बारिश हो रही है, बट मेरी वीडियो भी एंड होने वाली है, चलो थैंक गॉड, है ना. तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ज़रूर से ट्राई करना. एंड जितनी भी बातें मैंने आप लोग को बताई, बहुत ये बहुत 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 इफेक्टिव है. आप लोग यूज़ करो, ट्राई करो, फिर मुझे बताना कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि है तो मुझे इतना पता है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है. तो अब ऐसी स्किन केयर वीडियोज़ भी आएंगी, व्लॉग्स भी आएंगे, ब्यूटी हैक्स भी आएंगे एंड होममेड प्रोडक्ट्स भी आएंगे. भी ले रही हूँ होममेड प्रोडक्ट्स की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ओके. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया हुआ, तो जल्दी जल्दी से जाके एंड हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो एंड फॉलो मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.